भूखे को अन्न प्यासे को पानी जय जय बाबा बर्फानी। तो दोस्तों श्री अमरनाथ यात्रा 2024 की फाइनली जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, जो आपको कैसे अपना पंजीकरण करवाना है वो फाइनली कल से चालू हो जाएगा, यानी कि 15 अप्रैल से चालू हो जाएगा। और आपका भाई मैं यानी कि आपसे डेली कहता रहता हूँ कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आपको आपकी शाखा नहीं मिल रही है, मेडिकल कराने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप भाई मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। अगर आपको आपका हॉस्पिटल नहीं पता है, आपको आपकी शाखा नहीं पता है कि भाई किस ब्रांच में आपका आपका पंजीकरण होना है या किस बैंक अस्पताल में आपका मेडिकल होना नहीं पता, तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो गाइज फाइनली बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया उसमें, बाकी इस देखने के लिए ये आ रहा है कि भाई अभी भी देश के बहुत सारे जिले ऐसे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, तो गाइज बहुत जगह देखने में ये आ रहा है कि भाई जो मेडिकल, तो चलो जैसे मर्जी आप करा लेंगे मेडिकल हो जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत ये आ रही है कि भाई आपके जिले में कोई ब्रांच ही नहीं है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दूसरे बैंक डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, जो कि भाई आपके घर से हो सकता है 40 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो। तो गाइस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपके लिए कोई वीडियो लेके आया हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप मोबाइल से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, यात्रा की डेट ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस बार जो आपका लगेगा वो लगेगा 150 रुपये, और ऑनलाइन के लिए आपका लगेगा 220 रुपये। तो गाइज ऑनलाइन में आपका 50-60 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, वो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए आपका घर बैठे आपका पंजीकरण हो जाएगा। तो भाई करना कैसे पंजीकरण है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और आपके मोबाइल से आप कैसे कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। तो गाइज अगर भाई वीडियो पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे सब्सक्राइबर भी मैं देखता हूँ भाई, आप कमेंट करते हो मैं आपको जवाब देता हूँ, प्लीज़ यार लेकिन वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, बस इतनी रिक्वेस्ट है। बाकी 2024 की यात्रा में आपके साथ हूँ, आपके हर कदम पे आपको जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ आपका भाई बैठा है, आप कमेंट करिए, मैं आपको हर चीज़ का जवाब देने वाला हूँ। तो आइए भाई शुरुआत करते हैं आज के पंजीकरण की। तो भाई ये देखो ये हमारा फ़ोन है, हम गूगल पे करेंगे, और गूगल पे हम क्लिक करेंगे अमरनाथ यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण का, हम यहाँ पर सर्च मारेंगे। तो भाई देखिए इस पर आपको तीसरे चौथे नंबर पर दिख रहा है, तो भाई ये देखिए भाई अमरनाथ साइन बोर्ड है, और ये देखिए आ गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, आ गया टॉप पे देखिए आप। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए पैनल खुल जाएगा आपका। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए भाई आपको ये स्टेप फॉलो करना ही पड़ेंगे जो आपको ऊपर लिखा, भाई आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके लिए आपका वेरीफाई OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और नीचे आपको देखिए भाई एप्लीकेशन फ़ीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद आपका यहाँ पर जो डाउनलोड हो जाएगा आपका यात्रा परमिट हो जाएगा। तो क्या तो गाइज़ इसको हम पूरा भाई प्रोसेस अपना स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो यहाँ से अभी हम आएंगे नीचे की तरफ आएंगे, तो भाई जैसे देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ देखिए आई एग्री है, इस पर आप क्लिक करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ऊपर दे रखा है आपका मेन मेन्यू का ऑप्शन दे रखा है, ठीक। तो भाई गाइज़ ये हमारा मोबाइल से मेडिकल फॉर्म का खुल गया है। तो ऊपर देखिए ऊपर देखा रूट का ऑप्शन दे रखा है, यात्रा रूट। तो जब भी आप ऑफलाइन कराएं या ऑनलाइन कराएंगे तो वहाँ पे आपको दो में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि भाई यात्रा डिटेल के अंदर हम इस पर क्लिक करा हमने, तो यहाँ पर आपका बालटाल आ रहा है या पहलगाम आ रहा है, दोनों में से आपको एक रूट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं मान लीजिए पहलगाम से यात्रा कर रहा हूँ तो मैं करूँगा पहलगाम पर क्लिक। तो उसके बाद भाई नीचे देखिए यात्रा की डेट गाइज अभी आई नहीं, तो ये डेट पर भी आप क्लिक नहीं होगा आपका, जैसे कल डेट ऑनलाइन अपडेट होगी तुरंत ही यहाँ पर आपका ये अपडेट हो जाएगा। उसके नीचे आएंगे यात्री फुल नेम, तो भाई जैसे मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार, तो मैं यहाँ पे अपना नाम फिल कर दिया मैंने, ठीक है। उसके नीचे गाइज आप आ जाएंगे, देखिए मेरे फादर का नाम आएगा, तो भाई फिर मैं फादर के नाम पे क्लिक करूँगा, यहाँ अपने फादर का नाम डालूंगा, जैसे मेरे फादर का नाम है महेश। उसके बाद मेरा भाई नीचे जेंडर आएगा, ठीक है, जेंडर से मैं मेल हूँ तो मैं मेल क्लिक करूँगा, और मेल के नीचे आएगा भाई क्या कहते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ आएगी, जो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो गाइज फाइनली मैं बता दूँ कि भाई ये अभी आपका जेन्युइन फॉर्म नहीं है, ये आपको भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अपना मेडिकल फॉर्म, कि कैसे आप अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/1/1995, ठीक है। उसके नीचे भाई देखिए आएगा मेरा मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। जैसे ये कल अपडेट होगा तो इसी नंबर पर आपके OTP आएगा, और OTP आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके नीचे आपका दे रखा है एमरजेंसी मोबाइल नंबर का, तो एमरजेंसी मोबाइल नंबर जो भी आप डालेंगे जो कि आपकी फैमिली में किसी मेंबर का होना चाहिए, एमरजेंसी मोबाइल नंबर के नीचे आपका देखिए भाई एक ऑप्शन आ रहा है, वो है ईमेल का। तो गाइस ईमेल ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो आपका फॉर्म आएगा ना
जो आपका मतलब यात्रा परमिट आएगा वो आपको मेल पे भेजा जाएगा और आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा, तो ये याद रखिएगा। उसके नीचे भाई क्या करना है आपको कि देखिए आधार का ऑप्शन आ रहा है, तो भाई आधार नंबर आपको अपना भरना है। उसके बाद जिस स्टेट से आप हैं भाई, ठीक है, उस स्टेट का भरना है आपको, उस स्टेट में जिला क्या है वो भरना है। उसके नीचे गाइस देखिए भाई अपना अपने अपना स्टेट का नाम भरेगा, उसके बाद अपना जिला डालेंगे। जिला के नीचे भाई गाइस आपका पूछा जाएगा भाई नॉमिनीज के लिए, क्योंकि अगर आपको भगवान ना करे यात्रा में कुछ होता है तो भाई उसके लिए आपको यहाँ पे अपना नॉमिनीज एक बनाना पड़ेगा। तो नॉमिनीज जो आपको लिखा है नेम ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, तो यहाँ पे भाई अपने नॉमिनीज का जो भी आपकी मदर है, फादर हैं, आपका हस्बैंड है, जिसका भी नाम डालना चाहेंगे वो डालिए। उसके नीचे भाई आपका उनका रिलेशन क्या है, तो भाई रिलेशन देखिए, रिलेशन का भी ऑप्शन है। उसके नीचे ब्लड ग्रुप वाला है, ब्लड ग्रुप आपका जो भी है वो आपको फिलअप करना है। तो गाइस ऐसे ही नीचे आएंगे भाई, ब्लड ग्रुप के नीचे आपका जो एड्रेस है, मतलब भाई जो अपना पूरा एड्रेस आपको फिलअप करना है यहाँ पे जहाँ भी आप रहते हैं भाई, एड्रेस आपको पूरा फिलअप करने के बाद, अपना ब्लड ग्रुप आपको फिलअप करने के बाद, उसके बाद भाई आप जैसे इंडियन नेशनलिटी इंडियन है तो भाई इंडियन आएंगे, स्टेट लोकेशन, क्योंकि आपकी नीचे मेडिकल डिटेल आ गई तो यहाँ पे आपकी लोकेशन है, हॉस्पिटल का नाम क्या है, अथॉरिटी का नाम क्या है। और उसके नीचे भाई देखिए आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो करनी है और एक आपको अपना मेडिकल कार्ड जो आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट करवाएंगे, तो ये दो चीज़ आपको करनी है और दोनों ही इनके लिए आपको JPG में आपको कन्वर्ट करना है। तो भाई प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप आ जाते हैं जो कि आपकी फ़ोटो को और आपके JPG में कन्वर्ट कर देंगे। तो भाई इसको फिलअप करने के बाद आप नीचे देखेंगे भाई आपका ये दे रखा है एंटर टैक्स एंड सो अबव, तो भाई जो कैप्चा है इसको आप इसमें फॉप करिएगा। उसके बाद भाई यहाँ पे आई एग्री दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, मतलब बिल्कुल ओके, तो भाई इस पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो गाइज ऐसे ही आपको फॉर्म भरना है जो कि आपका कल से चालू हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटिव कोई भी दिक्कत समस्या होती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज ये था आपका ऑनलाइन पंजीकरण, आपको कैसे करना है मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर इसके बाद भी कोई आपकी जानकारी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते चलिए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।